तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया बस VVA का फंडामेंटल, मतलब कि उसके जो थ्योरिकल पार्ट थे वो हमने पढ़ाया कि क्या है VVA, कैसे है VVA, क्या करता है, क्या करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो आज जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं VVA का कौन सा कंसेप्ट, ये कह सकते हैं कि VVA की पहली क्लास आज से शुरू हो रही है आपकी। ओके सर। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम कुछ लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे, हमने आपको एल्गोरिथम बताया था कि कोई भी स्टेप अगर हमारे पास है तो उसका कोड कहां से शुरू करेगा। तो हमने सब RR कर दिया, RR माइक्रो नेम है, इसके जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, आप जो भी कोडिंग करेंगे इनके बीच में करेंगे, और आपको यहाँ माइक्रोज लिस्ट में देखिए RR नाम का माइक्रो आ गया। अब यहाँ पे बात होती है कि कोड में पहला वर्ड लिखे तो लिखे क्या, तो यहाँ हम देते हैं कि वर्क बुक्स पहला, या उससे पहले यहाँ पता एप्लीकेशन। तो बेसिकली चार मेन कंसेप्ट है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है हमारा शीट्स, चौथा है रेंज। हम अपना मोस्टली जो कोड है इन चारों से ही शुरू करते हैं, तो मोस्टली कोड जो है हमारा इन चारों से ही शुरू होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कोड होगा, अगर कोई एप्लीकेशन की सेटिंग हुई, कोई किसी तरह की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, किसी फाइल के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, जो फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सेवेज करना, जो फाइल से रिलेट करता हुआ काम है वो वर्कबुक से शुरू होगा। जो शीट से, जैसे कि शीट के ऊपर कुछ भी करना है तो शीट से रिलेटेड जो काम है वो शीट्स का इस्तेमाल करेंगे, और रेंज जो सेल ABCD जो सेल होता है, सेल से जो हम काम करते हैं उसमें हम सेल का यूज करते हैं, राइट जी। तो चार मेन ऑब्जेक्ट है जहां हम जिससे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे आपको मान लीजिए एक फाइल, नई फाइल ऐड करनी है, तो हमें भी एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं, बस ये अलग कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, हम वर्कबुक से शुरू करते हैं। तो जब कोई नई फाइल ऐड करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड, वर्क बुक्स डॉट ऐड। हमने वर्कबुक से शुरू किया क्योंकि एक नई फाइल ऐड हो रही है, फाइल से रिलेटेड वर्क है, इसे हमने वर्कबुक डॉट ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना देगा, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री। अब जो फाइल बनी है उसको सेव करना है, तो सेव करने का कोड होता है कि वो भी वर्कबुक से शुरू होगा क्योंकि फाइल को सेव कर रहे हैं, फाइल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वर्कबुक्स। अब यहाँ आप देखिए कोड का लिखने का सही तरीका क्या है, मतलब कि मेन मेथड क्या है, देखिए आप लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट, मतलब कि वर्कबुक, इन चारों में से कोई एक, उसके बाद उसका डिटेल, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्कबुक की बात हो रही है, जैसे एक फाइल को सेव करना है तो एक पर्टिकुलर वर्कबुक है उसका डिटेल, जैसे बुक वन डॉट xlsx xlsm जो भी आपका एक्सटेंशन है, डॉट सेव एज, तो ये हो गया आपका मेंबर, और कहाँ करना है तो ई ड्राइव में, सॉरी पाथ पूरा देखना पड़ेगा, 2020 इसके अंदर में 123.xlsx। तो कोड लिखने का ये सबसे एक तरीका है, एक तरीका है कि आप क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की डिटेल ब्रैकेट में देंगे, देन हम यहां लिखेंगे मेंबर, देन मेंबर की डिटेल। तो इन्वर्टर कॉमा क्यों यूज किया, क्योंकि बुक वन, बुक टू, बुक थ्री इस तरह एक नाम है, एक टेक्स्ट है, एक कोड नहीं ना है, इसलिए इसको इन्वर्टर कॉमा लिखेंगे। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, और का फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। फिर यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे जो है इन्वर्टर कॉमा यूज किए क्योंकि ये टेक्स्ट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किस पे, कहाँ पे, क्या करना है, कैसे करना है, समझ गए।
अब इसमें सिचुएशन को भी समझना होगा। आपने इसको तो यूज कर लिया कोड, बट एक कोड हर जगह यूज नहीं होगा, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने कोड को मॉडिफाई करना होगा। अब सिचुएशन क्या कहता है, जैसे कि हमने हमारी जो फाइल ऐड हुई है उसको सेव एज करना है, बट क्या हर बार मेरी फाइल जो ऐड होती है वो बुक वन ही होता है? नहीं। बुक टू बुक थ्री कुछ हो सकता है, नेम फिक्स नहीं है। लेकिन इतना पता है कि जो फाइल ऐड हुई है वो हमारा एक्टिव है, तो यहाँ हम वर्कबुक को एक्टिव वर्कबुक से भी डोनेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना पर्यायवाची शब्द, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग हिंदी में पढ़े थे पर्यायवाची शब्द, एक के अनेक नाम। तो एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक और फिर बाकी जो है वो सारा डाल देंगे, ठीक है? तो एक कोड आपके अंदर परफेक्ट वर्क करेगा। तो ये क्या हुआ कि फाइल को ऐड किया और उसी फाइल को सेव किया, क्योंकि जो फाइल ऐड होती है वही हमारा एक्टिवेट होती है। हाँ, इसके बीच में अगर आपने दूसरे फाइल पे जाने का कोड लिख दिया तब तो ये वर्क नहीं करेगा। तो कोड जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज करनी, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड का मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। हाँ। तो सेम यहां भी आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने कोड को चेंज करना होता है। अब जैसे मुझे पता है कि हमें वर्कबुक ओपन करके सेव ही करना, एक नया वर्कबुक क्रिएट करके सेव ही करना है, तो ये चीज आपको पता है तब यहाँ पे डायरेक्ट वर्कबुक बुक्स डॉट ऐड और उसी के साथ कर दीजिए सेव एज। समझ गए? उसी के साथ आपने क्या कर दिया, सेव एज कर दिया, ठीक है? अब इसमें से कौन सा कोड लेना है वो डिपेंड करता है कि आप जो लिख रहे हो वहां पे क्या सिचुएशन है। समझ गए? तो हमने फाइल को क्रिएट करना और सेव करना, सेव एज करना सीख लिया। उसके बाद आता है कि अगर मैं सेव एज ना करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ सिर्फ। सेव एज मतलब कि आपको नया नाम फाइल देना पड़ेगा ना, मैं उसको जस्ट कंट्रोल एस करते हैं सेव करने के लिए, वो करना चाहता हूँ तो डॉट यहाँ पे सेव लिख दीजिए, या फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। अब ये एक्टिव वर्कबुक लेना या वर्कबुक्स फाइल नेम देना है डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में। आपका फाइल एक्टिवेटेड है तो आप इसका यूज कर ले, आपका फाइल एक्टिवेटेड नहीं है लेकिन पर्टिकुलर फाइल का नाम पता है तो अब इसको ले लीजिए। समझे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फाइल को सेव हमने क्रिएट कर लिया, सेव एज कर लिया, सेव कर लिया। अब आता है बारी किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने का। तो ओपन करने का कोड होता है वर्कबुक्स डॉट ओपन, और यहां पे कहां से ओपन करना है उसका पाथ, ठीक है? अब यहां से देखिए, जब आप स्पेस मारते हैं तो यहां दिखता है फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग हमने दे दिया। उसके बाद यहां और भी चीजें हैं जैसे कि अपडेट लिंक, रीड ओनली फॉर्मेट, पासवर्ड। मान लीजिए मुझे पासवर्ड देना है, ये फाइल जो हमारा ओपन कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है तो मुझे पासवर्ड डाल के ओपन करना है, तो कॉमा करके डाल सकते हैं, कॉमा अपडेट लिंक कॉमा 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 अब पासवर्ड डाल दीजिए। तो बीच में हमने कुछ नहीं डाला, हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं डाला और हम उस पर चले गए। जैसे जैसे आप कॉमा डालते जाओगे उस तरह से वहाँ पे क्या होगा, आपका हाईलाइट होते जाएगा, जैसे फाइल पे हो तो हाईलाइट होते जाएगा, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो फाइल को ओपन करने का कोड ए होता है। अब फाइल जब हमने ओपन कर ली है तो फाइल को क्लोज भी तो करेंगे। अब फाइल क्लोज करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल को बात हो रही है तो आपको इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, ठीक है? कौन सा लेना है ये मैंने समझा दिया, अब अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे आप। क्लोज, अब जब क्लोज लिख दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई फाइल पे कुछ करते हो उसके बाद उसको जब क्लोज करते हो तो पूछता है डू वांट टू सेव,
तो अगर आपको सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ पे लिखना है ट्रू, नहीं करना है तो फॉल्स, ठीक है। और कभी क्या होता है क्लोज करते हुए सेव कर देते हैं ना, तो फाइल नेम डाल दीजिए यहाँ पे, ये जो पास हमने यहाँ डाला है ना वो पास यहाँ डाल दीजिए, फाइल को सेव भी कर देगा और क्लोज भी कर देगा, ठीक है। तो हमने फाइल को क्लोज करना सीख लिया, राइट। अब बात करते एक फाइल से दूसरे फाइल जाने की, एक फाइल से दूसरे फाइल हम कैसे जाएंगे, हम लोग ऑल टाइप करके जाते हैं ना, ऑल टाइप करके, ऑल्ट एंड टाइप करके इसमें जाते हैं ना इस तरह से। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे दो फाइलें खोल रखी है तो यहाँ से एक फाइल से दूसरे फाइल हम मूव करते हैं, तो उसके लिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वर्क बुक्स और किस फाइल में जाना है उस फाइल का नेम या नंबर, जो दो फाइल हो तो टू कीजिएगा दूसरे फाइल पे चला जाएगा डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट एक्टिवेट, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है इसका, वो है आपका विंडोज, और विंडोज में यहाँ पे हमने डाल दिया, इसमें एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है, बुक टू डॉट एक्टिवेट। जो विंडोज जब डाल देते हैं तो कहाँ जाता है वो, फिर यहाँ पे इसमें नहीं होता है, यहाँ व्यू मेनू बार के अंदर में यहाँ होता है विंडोज होता है, स्विच विंडो इसका यूज करता है फिर। अब फाइल में अगर पासवर्ड डालना है आपको, अब मैं एक्टिव वर्कबुक लेके ही चलता हूँ, आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे विंडोज लिया और यहाँ पे डाल दिया प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। तो ये जो प्रोटेक्ट हुआ क्या और किसका हुआ, रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट होता है ना, प्रोटेक्ट वर्कशीट वर्कबुक इसको हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन मुझे ओपनिंग पासवर्ड डालनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्टिव वर्कबुक डॉट यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपकी जो फाइल मेनू बार है, फाइल मेनू बार के अंदर इन्फो के अंदर ये आपका प्रोटेक्ट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो ये आपको फाइल का ओपनिंग पासवर्ड यहां से डालेगा, ठीक है। okay. अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इस लाइंस के ऊपर हमने कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया, किया है सर, पर इसमें क्यों किया। तो जैसे मैंने समझाया कि ये आपका वर्कबुक होता है, लाइट ना लो, वर्कबुक होता है और ये आपका पासवर्ड होता है, ये आपका मेंबर है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट या आपका मेंबर। तो मेंबर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इवेंट मेथड प्रॉपर्टी। इवेंट इवेंट को हमारे अभी हटाइए क्योंकि इवेंट हम इवेंट माइक्रो में पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं मेथड और इसकी प्रॉपर्टीज की, मेथड एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपने आप कुछ में आपको आप जब इसमें एक्सेल वीवीए के हेल्प पे जाएंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉडल को खोलेंगे तो वहाँ भी इस तरह से आपको दो 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 अलग अलग पार्ट में दिखेगा, मेथड एंड प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। तो जो मेथड होता है उसमें स्पेस लगता है, जो प्रॉपर्टीज है उसमें इक्वल लगता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो दो चीज़ें, एक पहली चीज़ जब स्पेस मारेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब है प्रॉपर्टीज है, सॉरी मेथड है, इसमें स्पेस यूज होगा। प्रॉपर्टीज में स्पेस मारेंगे तो कुछ नहीं आएगा। दूसरा ये है कि जब आप डॉट लगा के टाइप कर रहे होंगे ना तो नीचे जो सजेशन आते हैं तो जिसमें ग्रीन कलर का बॉक्स है वो आपका मेथड है, मतलब कि उसमें इक्वल यूज होगा, ठीक है। और जिसमें आपका ये हैंड का निशान लगा हुआ दिख रहा है, हैंड का निशान वो आपका प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हेलो, इसमें आपका इक्वल लगेगा।
तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, पहला होता है आप जो इन्फॉर्मेशन लेता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये जो पासवर्ड है जस्ट इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे मान लीजिए इसका मुझे फाइल नेम चाहिए, तो एस इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, तो जो फाइल का नेम है एफ पे स्टोर कर देगा। अब यहाँ एफ क्या है, एफ एक वेरिएबल है, वेरिएबल इट मीन्स जब आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक्स वाई जेड लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू हंड्रेड, और जहाँ भी हंड्रेड की रिक्वायरमेंट होती है आप क्या करते हैं, जहाँ भी हंड्रेड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ क्या करते हैं, एक्स, वहाँ पे एक्स यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो मतलब कि अब जो एक फाइल का नाम एफ पे स्टोर हो गया, अब मुझे जहाँ भी फाइल चाहिए वहाँ पे यूज कर लेंगे, ऐसे नेम फुल नेम। तो कुछ ऐसे दो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस है जो कि रिसीव करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं कि सिर्फ माने कि देते हैं, कुछ लेता है कुछ देता है, लेकिन दोनों में इक्वल लगता है। ठीक है, ठीक है। तो एक कोड कंसेप्ट है, कोड का स्नैपशॉट ले लीजिए और इन कोड को इंडिविजुअली एक एक मैक्रो में रन कीजिए, ठीक है जी सर, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ, ताकि पता चलेगा कि एक कोड किस तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मिलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है सर।